तो हे गाइस, व्हाट इज अप, मैं हूं अमन नेगी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अमन नेगी फिटनेस। तो गाइस, आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, कैन वी इंक्रीज आर हाइट, मतलब क्या हम अपनी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं, इवन वो 1 इंच हो, 2 इंच हो, या फिर मतलब मैं आपके सारे जो आपके भी माइंड में जो भी डाउट्स है हाइट को लेके, मैं उसको आज आप लोगों के लिए दो न्यूज़ है, एक है गुड न्यूज़ एक है बैड न्यूज़। तो पहले बैड न्यूज़ सुन लो। बैड न्यूज़ ये है कि हम अपनी हाइट इंक्रीज़ नहीं कर सकते गाइस, वो टोटली हमारे जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, हमारे पेरेंट्स से जो हमें जीन्स मिले हैं, हमारे दादी दादा से, हमारे पेरेंट्स को, हमारे पेरेंट्स से हमें जो जीन्स मिले हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी हाइट कितनी स्पीड से ग्रो करेगी एंड कितनी एज तक और कितनी ग्रो करेगी। तो उस चीज़ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एंड किसी की हाइट जेनेटिकली गिफ्टेड होती है, वो अगर कैसे भी, अगर वो ना भी चाहें तो भी उनकी हाइट ग्रो करती है। लेकिन दूसरी जो गुड न्यूज़ ये है कि मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी हाइट, अगर आप बढ़ा नहीं सकते तो उससे आप टॉलर अपीयर हो सकते हो, मतलब देखने में आपको, आपको कोई देखेगा तो उससे लगेगा कि हाँ ये इंसान पहले से थोड़ा लंबा लग रहा है। तो अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो यार सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत अच्छी अच्छी और बहुत ही यूज़फुल मैं वीडियोस डालता हूँ, वो ज़रूर जाके चेक करना, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर देना, इस वीडियो को लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि हमारी हाइट, मतलब हमारे हाइट का जो ग्रो होने का प्रोसीजर है वो क्या है। तो देखो, जब हम बहुत छोटे होते हैं, 1 साल से लेकर हमारी हमारी प्यूबर्टी तक, हमारी हाइट जो होती है वो 2 इंचेस पर ईयर के हिसाब से ग्रो करती है। लेकिन जब हम प्यूबर्टी हिट करते हैं, ठीक है, हम प्यूबर्टी हिट करते हैं तो हमारी जो हाइट है वो 4 इंचेस पर ईयर के हिसाब से ग्रो करने लगती है। लेकिन जब हम अडल्ट हो जाते हैं, हमारा प्यूबर्टी वाला जो पीरियड है वो ख़त्म हो गया, तो तब जाके हमारी हाइट है वो ग्रो करना बंद कर देती है। तो अगर कोई क्या बोलते हैं, बहुत छोटा बच्चा है या कोई 18 से कम है, वो कैसे अपनी हाइट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेट कर सकता है, एक्सरसाइज करके, ठीक है, स्पोर्ट्स वगैरह खेलना, एक्सरसाइज करना, एक अच्छी बैलेंस डाइट खा के, अगर आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेगा हाइट ग्रो करने में। जेनेटिक्स तो फिर सबसे इम्पॉर्टेंट प्ले, तो जेनेटिक्स प्ले करता है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल। एंड फिर बात आती है हमारे स्लीप एंड हमारे बॉडी को रेस्ट देने की। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे अगर आपका अच्छा कंट्रोल है एंड ये चीज़ें आपको सफिशिएंट अमाउंट में मिल रही हैं तो आपकी हीट, आपकी हाइट काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करेगी। लेकिन फिर एक प्लेटो आ जाता है यार, नेचुरल, हमारी जो नेचुरल लिमिट्स हैं उनका एक रुकाव आ जाता है, मीन्स उसके बाद हम ग्रो नहीं कर सकते, हम चाहे कुछ भी करें। तो जो लोग, कई सारे मुझे पता है यार ट्रेनर्स हैं और क्या बोलते हैं जिम वाले, जिम ओनर्स हैं, कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जो पता नहीं वीडियोस में सप्लीमेंट्स बताते। तो गाइस यार, पहले तो मुझे समझ में आता ऐसे लोगों को फॉलो क्यों करते हो यार, वो आपको वो चीज़ें सुनाते हैं जो आप सुनना चाहते हो, वो आपको वो चीज़ें नहीं बताते जिसको आपको सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसे इंसान ढूंढो जो आपको ऐसी चीज़ें बताएं जिसकी आपको ज़रूरत हो, ना कि जो आप सुनना चाहते हो। तो अगर कोई भी आपका ट्रेनर या कोई भी फिटनेस यूट्यूबर आपसे कहता है कि यार ये सप्लीमेंट ले लो, ये सप्लीमेंट ले लो, हाइट बढ़ जाएगी, तो भैया प्लीज़ उनकी बातों में मत आना। बिकॉज जब हमारी क्या बोलते हैं ग्रोथ प्लेट्स होती है हमारे बोन्स के एंड में, जहाँ से हमारी बोन्स जॉइंट होती है, मैं आपको इमेज दिखा दूंगा स्क्रीन पे, हमारी बोन्स जहाँ से जॉइंट होती है तो उसके एंड में ग्रोथ प्लेट्स होती हैं, जब वो हमारी फ्यूज़ हो जाती हैं उसके बाद आप कुछ कर लो, कोई सा कोई सप्लीमेंट ले लो, आप ज़मीन से आसमान तक का आप जोर लगा लो, आप नहीं अपनी हाइट ग्रो कर सकते, आप कितना लटको क्या भी कर लो, ठीक है। किसी किसी में कंडीशन होती है कि उनके अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन नहीं बनता है, तो डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सजेस्ट करते हैं, सिंथेटिक यानी कि केमिकल, आर्टिफिशियल बना हुआ, तो उससे उनकी हाइट ग्रो कर सकती है, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, अगर आप अभी यंग एज में हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए, एंड अगर आप अडल्ट हो
तो यार आई एम सॉरी, आप कुछ नहीं कर सकते, अपनी हाइट इंक्रीज कर। फिर बात आती है कि यार अगर हम अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकते तो कुछ ना कुछ तो कर सकते होंगे। तो जी हाँ, हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हम अगर अपनी हाइट नहीं इंक्रीज कर सकते लेकिन हम टॉलर अपीयर हो सकते हैं, तो वो कैसे होगा? पहला तो यार स्पोर्ट्स वगैरह ज़रूर खेला करो, ठीक है? कोई भी गेम्स है, आउटडोर गेम्स है, वो ज़रूर खेला करो। अगर आप वर्कआउट करते हो तो अपनी स्ट्रेचिंग ज़रूर किया करो, ठीक है। स्ट्रेचिंग हो गई, फिर आती है नेक्स्ट बात, वो है यार सबसे इम्पॉर्टेंट, एंड यही चीज़ है, अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो आप पहले से लंबे नज़र आओगे, ठीक है? वो क्या है? वो है आपका पॉस्चर, ठीक है? आपने कई जगह सुना होगा बैठने का, खड़े होने का, लेटने का, सोने का, हर चीज़ का पॉस्चर होता है आपका बहुत, वो मतलब एक टाइप से वो बहुत ही की फैक्टर है कि आप लंबे नज़र आओगे या फिर आप छोटे नज़र आओगे। अब कैसे? तो हमारी जो बैकबोन होती है गाइस, वो ना तीन जगह से बेंड होती है। तो अगर आपकी आदत है आप ऐसे झुक के बैठते हो हर जगह, कई लोग होते हैं वो ऐसे झुक के चलते हैं, ठीक है? अगर वो सो भी रहे तो आड़े टेढ़े फॉर्म में, कोई पॉस्चर नहीं, कोई कुछ नहीं, उल्टे सुलटे तरीके से, तो यार ये आपकी बोन्स को क्या करती हैं, ये आपके एक तो नेक पेन वगैरह, बैक पेन वगैरह बहुत होता है, एंड फिर दूसरी चीज़ क्या है, आपकी ये जो आप ऐसे झुक के बैठ रहे हो, झुक के चल रहे हो, तो आपकी बोन है ना, लॉन्ग टाइम तक आप ये करते रहोगे तो आपकी बोन उसी जगह से वैसे ही उसी फॉर्म में ढल जाएगी, ठीक है? फिर उससे आपका लुक कैसा आएगा, ये ऐसे कर्व लुक आएगा, ठीक है? इसीलिए अपना पॉस्चर ठीक करो, बैठने का एकदम स्ट्रेट पॉस्चर, चलने का एकदम स्ट्रेट पॉस्चर, ठीक है? पॉस्चर पे अपने काम करो, एंड आपका जब पॉस्चर ठीक होगा तो आप डेफिनेटली पहले से लंबे नज़र आओगे। फिर एक तरीका और है कि अगर आप जिम में वर्कआउट वगैरह कर रहे हो तो हैंगिंग वगैरह करने से, स्ट्रेचिंग वगैरह करने से हमारी बोन्स जो है ना, जो हमारा ये ऐसे टेढ़ा फॉर्म बन गया है, ये हमारा स्ट्रक्चर एकदम स्ट्रेट हो जाता है। हम स्ट्रेचिंग करते हैं, हम बार पे लटकते हैं, तो उससे हमारी हाइट तो इंक्रीज़ नहीं होती लेकिन हमारी जो बोन्स का प्लेसमेंट है, हमारी बोन्स एकदम सही तरीके से एकदम स्ट्रेट फॉर्म में प्लेस हो जाती हैं। और जब आपकी बोन्स एकदम सही फॉर्म में प्लेस हो जाएंगी, आपका पॉस्चर एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, आप ऑटोमेटिकली गाइस देखना एटलीस्ट एक इंच तो आप टॉलर नज़र आओ। जो एक लास्ट तरीका और है लंबा अपीयर होने का, कि आप लंबे दिख सको, वो है यार आपके कपड़े, ठीक है? तो अगर आप ढीले ढाले कपड़े पहनते हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बैगी कपड़े पहनते हो लूज़ टाइप के, तो उससे आप लंबे नहीं लगने वाले। अगर आपकी हाइट कम है तो आप और बेकार लगोगे, ठीक है, इन द सेंस बेकार लगोगे आप। तो इसीलिए कपड़े, जब भी आप कपड़े मतलब अपने कपड़े लेने जाते हो तो कोशिश करो कि कपड़े आपकी फिटिंग के हों, ताकि एक उसमें स्लिम इफेक्ट आए, एंड ऑटोमेटिकली अगर आपके बॉडी, आप कपड़े स्लिम टाइप के कपड़े पहनते हो, आपके बॉडी पे मतलब देखने में इंसान स्लिम लगता है तो ऑटोमेटिकली लंबा भी लगता है, ठीक है? ये आपको भी पता होगा। तो गाइज ये कुछ तरीके हैं कि जिससे आप अपनी हाइट बढ़ा तो नहीं सकते लेकिन आप अपने पोस्चर को स्ट्रेट कर सकते हो, आप पहले से लंबे अपीयर, आप नज़र आ सकते हो पहले से लंबे, ठीक है? और बाकी कोई तरीका नहीं है, ये पूरा जेनेटिक्स का खेल है कि आपकी हाइट कितनी बढ़ेगी, कितने स्पीड से ग्रो करेगी, ठीक है? आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और ऐसे लोगों को फॉलो करना बंद करिए जो आपको झूठे सपने दिखाते हैं कि यार ये कर लो, ये कर लो, ये सप्लीमेंट ले लो, वो सिर्फ गाइस व्यूज़ के लिए और पैसे के लिए काम कर रहे हैं एंड ये आपको चीज़ें बता रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, इंस्टाग्राम पे भी प्लीज़ एक बार जाके, इंस्टाग्राम तो मेरा चेक कर ही सकते हो यार आप, एंड उस बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि जब भी मैं कोई ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आपको पता चले।